हेलो गाइस मैं इंकैश सो so आज के वीडियो में हम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ लोकेटेड इन नवी मुंबई इस कॉलेज का हम रिव्यू करेंगे तो ये कॉलेज की कट ऑफ क्या है कॉलेज का फीस क्या है कॉलेज में कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं फॉर रिक्रूटिंग कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसा है इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे सो येस गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट सबसे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में सो दिस कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन टू थाउजेंड फोर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर देना इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि कॉलेज जितना पुराना होता है उतना उसका रेपूटेशन अच्छा होता है और ये टू थाउजेंड फोर का है लाइक ऑलमोस्ट ट्वेंटी ईयर्स पहले का है ये कॉलेज कॉलेज इज़ लोकेटेड इन बेलापुर विच इज़ इन नवी मुंबई अनएड कॉलेज है ये तो एडेड होता है कॉलेज या अनएड होता है और एडेड का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज गवर्नमेंट से फंड्स लेता है उसे हम एडेड कॉलेज लेते हैं एंड सिंस दिस इज एन अन एडेड कॉलेज तो यहाँ पर कॉलेज जो है गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेता है जो भी कॉलेज के डे टू डे करिकुलम होता है कॉलेज अपने फंड से लेता है और एडेड कॉलेज जो होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, है गाइस तो ये ऑटोनॉमस नहीं है ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्जाम डेट्स है एग्जाम के सिलेबस है एग्ज़ाम के टॉपिक्स है राइट right, सब्जेक्ट्स है जो आपके वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है एंड सिंस दिस इज अ नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज तो मतलब ये अपने होम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा जो भी होम यूनिवर्सिटी से कहेगा वो यही करेगा एंड दिस कॉलेज इज़ नॉन माइनॉरिटी कॉलेज कोई भी रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं है इस कॉलेज में नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज कॉलेज इज अफिलियटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है सो दिस कॉलेज इज अफिलियटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अब ये जो है ये काफी ज्यादा लोगों को होता है कि बी या बी -E, कौन सा डिग्री अच्छा है तो मुंबई नवी मुंबई में आपको मोस्टली जो है बी डिग्री देखने मिलेगा विच इज़ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग तो बी टेक आपको गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप प्राइवेट कॉलेज में ही देखने मिलेंगे एंड पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे कि बी टेक और बी -E में कुछ डिफरेंस है तैन आंसर इज नो दोनों का पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब्जेक्ट्स भी सेम ही होते हैं राइट right? uh, तो यस yes, ये लोगों का एक डाउट होता है जो कि मैंने इस पॉइंट पर क्लियर कर दिया है ए आई सी है ये कॉलेज सो नेक्स्ट पॉइंट इज गईस कोर्सेज़ कौन कौन से प्रोवाइड करता है ये कॉलेज सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग सो जो भी हमने कोर्सेज देखे इसका अब हम कट ऑफ देख लेते हैं so, सो आगे बढ़ने से पहले गईज मुझे आपको ये है कि ये मेरे स्टेटिस्टिक्स से दिखा है एनालिटिक्स है कि आप लोगों से 88 परसेंट लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट वुड मीन अ लॉट टू मी गाइज़ इफ़ यू विल सब्सक्राइब सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आपका कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो जिससे कि आपको अपडेट्स मिलेगा जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगा और आपको कुछ भी डाउट्स है कॉलेज रिव्यू कोई भी कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए या कोई भी पॉइंट के ऊपर जो कि कॉलेज रिलेटेड होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक सो यस अब हम कट ऑफ देख लेते हैं गाइज़ तो कट ऑफ अगर हम देखें जो रेड कलर में आपको दिखेगा वो 2020 का कट ऑफ़ होगा और जो येलो कलर में आपको दिखेगा वो 2021 का कट ऑफ होगा दो साल का कट ऑफ़ इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ का ट्रेंड जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बढ़ रहा है मतलब प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका अच्छा हुआ है और अगर आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ना तो स्टूडेंट उस कोर्स में इंटरेस्टेड है ना ही प्लेसमेंट आपका अच्छा हुआ है तो ये जो दो रीज़न है ये रीज़न होता है कट ऑफ डिक्रीज़ होने का सो so, पहले हम देखते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सो नाइन्टी टू था इन 2020 ट्वेंटी एंड इट बिकेम 92.5 तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिला है अब आपको ये भी डाउट होगा कि 2022 का क्या कट ऑफ होगा तो जो भी होगा गाइस यही रेंज में होगा 91 से 94 या 93 थ्री परसेंटाइल तक ही और इसमें अगर हम कंपेयर करें प्लस माइनस जीरो परसेंटाइल हो सकता है कंप्यूटर uh, इंजीनियरिंग के कट ऑफ में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम देखें 88.7 था इन 2020 इट बिकेम 90.6 एक इंक्रीज़ देखने मिला है मतलब आईटी में जो बच्चे थे इंटरेस्ट उनका आया है इन दिस कोर्स विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो 90.6 हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेवेंटी से सेवेंटी हो गया तो अगेन इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें सो so थर्टी से थर्टी हो गया परसेंटाइल केमिकल इंजीनियरिंग एटी से एटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 72.6 से 63 हो गया तो ऑलमोस्ट 9 परसेंटाइल का यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने मिला है. तो अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा ब्रांच इस कॉलेज का अच्छा है देन इट विल बी थ्री ब्रांच जो कि होगा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग क्योंकि इसके जो आपके कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे राइट right? इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली भी आप कंसिडर कर सकते हो इस कॉलेज का बट मैकेनिकल आपको इस कॉलेज का आप थोड़ा और कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा मिल सकता है क्योंकि एट टेन परसेंटल का हमें डिक्रीज़ देखने मिल रहा है और अगर आपको 2022 में इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है कट ऑफ तो आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हो सो इस दिस वे थ्री कोर्सेज जो कि सो एज दिस वेर द फोर कोर्सेज जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस कॉलेज के कट ऑफ वाइज सो एज दिस वॉज ऑल अबाउट कट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखे सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है वो अब हम देखते हैं सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गाइज टोटल है सिक्सटी सीट्स कैब सीट्स है आपके फोर्टी एट इंस्टीट्यूट सीट्स है आपके ट्वेल्व अब इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है तो इंस्टीट्यूट सीट्स ये होता है कि कैप राउंड होते हैं आपके कैप कैपराउंड वन राउंड टू और हो सकता है कि कैप राउंड थ्री भी हो बट मोस्टली कैप राउंड वन या कैप राउंड टू ही होता है तो उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है इस कॉलेज में तो इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो आपको डोनेशन भरना पड़ता है विच इज़ लाइक टू टू थ्री टाइम्स मोर देन योर यूजुअल फीस राइट अगर आपका फीस एक लाख है तो आपको दो से तीन लाख डोनेशन भरना पड़ेगा प्लस जो भी फीस है वो भी भरना पड़ेगा तो ये होता है गाइस इंस्टीट्यूट सीट्स का मतलब तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल सिक्सटी सीट्स कैप सीट्स आर फोटी एट इंफॉमेसन टेक्नोलॉजी में वही सेम चीज़ है सिक्सटी सीट्स है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंजीनियरिंग में है वन सीट्स कैप सीट्स है वन ट्वेंटी पर कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं है विच इज़ अ गुड थिंग नेक्स्ट अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टोटल है यहाँ पर सिक्सटी सीट्स कैप सीट्स आर सिक्सटी केमिकल इंजीनियरिंग में भी है टोटल सिक्सटी सीट्स कैप सीट्स आर फोटी एट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल वन सीट्स कैप सीट्स आर 108 जीरो एट एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर ट्वेल्व तो ऐसे काफ़ी कॉलेज में जिन जिनमें कि मैंने देखा है कि सीट्स जो है वो 120 ट्वेंटी हंड्रेड प्लस है बट एडमिशन हो नहीं पाता है मैकेनिकल में इतना क्योंकि लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते या तो कोई और कॉलेज में वो अच्छा ब्रांच ले लेते विथ डोनेशन डोनेशन भर के तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इतना सीट्स तो भरना मुश्किल ही हो जाता है बट एनी वेज सीट्स है इस कॉलेज में एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें गाइस फ़ी स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग अ कॉलेज और इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और 2020 2021 बैच सो so 2020 2021 बैच जो कि फर्स्ट ईयर था जो कि अब सेकेंड ईयर में पहुंच गए उनके हिसाब से उनका जो फीस था वो था वन लाख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स रुपीज़ विच इज़ अ गुड रेंज गाइस एक फ़ीस जो है आपका अगर वन लाख से वन लाख टेन थाउजेंड के बीच में वो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो काफ़ी अच्छा फीस रेंज है उसका सो एज़ पर दिस जो आपका फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली फोर पॉइंट टू एट लैक राइट और ये फीस जो था वो ट्वेंटी 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 वन बैच का था आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बैच के होंगे तो आपका फ़ीस जो है वो प्लस थ्री थाउजेंड या प्लस फोर थाउजेंड हो सकता है राइट right? हर साल दो तीन हज़ार बढ़ ही जाता है फ़ीस सो एज दिस so, वॉज द फीस स्ट्रक्चर गाइज और यहाँ पर अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ीस डेवलपमेंट फ़ीस ये सारे मिलाकर आपके जो ओपन के फीस है वो है वन लाख सेवन थाउजेंड फॉर ई बी सी एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस ओ बी सी ओ ब सी ये सारे लोगों के लिए फ़ीस हो जाएगा सिक्सटी वन थाउजेंड एस सी एस बी सी वी जे एन टी एस टी इनके लिए फ़ीस हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड और जो आपका जम्मू कश्मीर कोटा है दैट विल बी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फॉर टी एफ डब्ल्यू एस विच इज़ ट्यूशन फ़ीस वेवर स्कीम उसके लिए हो जाएगा आपका फ़ीसटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव और अगर आपको चाहिए कि टी एफ डब्ल्यू एस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊ देन मेक श्योर टू कमेंट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक विच इज ट्यूशन फीस वेवर स्कीम क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होते हैं एंड यस दिस वॉज द फी स्ट्रक्चर गाइज नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें रिक्रूटर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से ड्रीम कंपनीज़ या नॉर्मल कंपनीज इस कॉलेज में आ रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे रिक्रूटमेंट है गाइज जियो इन्फोसिस बाइजूस सी एस सी गोदरेज जेकॉब्स भारत पेट्रोलियम कॉग्निजेंट टी तो ये सारे कंपनीज है गाइज दिस आर द रिक्रूटर्स सो रिक्रूटर्स की कमी नहीं है इस कॉलेज में एंड और अगर हम देखें ये सारे रिक्रूटर्स हैं तो अगर आप इन रिक्रूटर्स के नाम को पढ़ना है तो आप तो पॉज करके इन रिक्रूटर्स के नाम पढ़ सकते हो दिस आर द रिक्रूटर्स गाइज एंड इस दिस आर सम मोर रिक्रूटर्स और जैसा कि मैंने आपको कहा रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं है इस कॉलेज में प्लेसमेंट अगर हम देखें गाइज तो ये है आपका प्लेसमेंट जो कि मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक 2021 और 2022 में केमिकल इंजीनियरिंग में हुए टोटल 28 प्लेसमेंट कंप्यूटर में 83 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 43 थ्री मेकानिकल में फिफ्टी सेवन इंस्ट्रोमेंटेशन में ट्वेंटी फोर एलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ टोटल आपके फ़िफ्टी एट सो टोटल हुए है टू नाइन्टी थ्री ट्वेंटी 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 वन में हुए थे थ्री फिफ्टी फोर टोटल सो so, ये जो है गाइस यहाँ पर स्टार मार्क इसके लिए डाले क्योंकि प्लेसमेंट इन प्रोग्रेस है क्योंकि ये साल ख़त्म नहीं हुआ अभी तक तो प्लेसमेंट बच्चों का चलते रहता है जैसे जैसे रिक्रूटर्स आते हैं लोगों का प्लेसमेंट होते रहता है सो so ये ऑन गोइंग प्लेसमेंट है ये थ्री हंड्रेड क्रॉस कर सकता है इन नंबर्स एंड यस दिस आर द प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक गाइस काफ़ी ठीक ठाक प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है और अगर हम देखें यह आपका प्लेसमेंट स्टिस्टिक है और जो मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट हुआ है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर ब्रांच के ही हुआ है और उसके बाद जो है आपके केमिकल के जैसे मैंने आपको बोला केमिकल में भी अच्छे खासे बच्चों का जो है प्लेसमेंट होता हुआ दिख रहा है हमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी ठीक ठाक है तो मोस्टली लाइक like अगर मैं बाकी सारे कॉलेज से कंपेयर करूँ तो प्लेसमेंट जो है मैकेनिकल में मैकेनिकल ब्रांच में भी इस कॉलेज में अच्छी खासी प्लेसमेंट देखने मिले हमें बाकी सारे कॉलेज में मैकेनिकल में टू परसेंट प्लेसमेंट रेट होता है अगर सौ बच्चे हैं तो दो बच्चों का प्लेसमेंट होता है तो ये नंबर्स हमें इस कॉलेज में देखने मिल देखने नहीं मिले विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और अगर हम देखें गाइस हॉस्टल फैसिलिटीज़ ये काफ़ी लोगों को डाउट होता है तो आपका गर्ल्स हॉस्टल कुछ ऐसा दिख रहा है एंड बॉयज़ हॉस्टल ऐसा है और ये है गाइस बॉयज़ हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर राइट टोटल आपका लगेगा एटी थ्री थाउजेंड फॉर ईयर फॉर ईयर इसमें आपके सब फ़ीस होंगे हॉस्टल फ़ीस मेस चार्जेस ये सारे फीस होंगे एंड गर्ल्स हॉस्टल फ़ीस स्ट्रक्चर है गाइज़ ये जो कि आप पॉज करके देख सकते हो एंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करें गाइस तो लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कैफेटेरिया है जिम है हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ वाई कैंपस एंड ऑडिटोरियम है एंड ये कॉलेज के कुछ फोटोज है गाइस दिस इज द कॉलेज एज यू कैन सी दिस इज योर लैब एंड दिस इज द ग्राउंड सो गाइस ये था कॉलेज के कुछ फोटोज और कौन कौन से लैब फैसिलिटीज़ है ये भी हम देख लेते हैं so, सो ये सारे लैब फैसिलिटीज़ है गाइस सो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम लैब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब जो भी आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उन, उन सारे सब्जेक्ट्स के आपको लैब देखने मिलेंगे इस कॉलेज में और जो आपके कोर ब्रांचेस हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उनके भी काफ़ी अच्छे लैब फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में सो इस दिस वाज द लैब फैसिलिटीज गाइस कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन वाइज अगर मैं बात करूँ नवी मुंबई में और भी अच्छे कॉलेजेस जैसे पिल्लई कॉलेज हो गया आपका एस इंदिरा गांधी तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं इन डेप्थ कंपेयर करूँगा इन नवी मुंबई के टॉप कॉलेजेस को तब तक मैं आपको ये कहूँगा कि आप और थोड़ा रिसर्च कर सकते हो नवी मुंबई के कॉलेज मैंने ऑलमोस्ट नवी मुंबई के टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो सो यस दिस वॉज द कंक्लूजन गाइज एंड दिस कॉलेज इज़ गुड फीस की बात करें फीस भी आपका जो रेंज होता है उसके अंदर ही है जो कि एक अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर है आप वन लैख टेन थाउजेंड के बीच में प्लेसमेंट भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है रिक्रूटर्स भी ठीक है आपके लाभ फैसिलिटीज भी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफी अच्छा है कॉलेज सो इन शॉर्ट दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड गाइज एंड यस दिस वॉज द कंक्लूजन फॉर दिस कॉलेज एंड ये दिस वीडियो गाइज मेक श्योर टू लाइक क्योंकि ये सारे डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है एंड आई एम ऑल्सो अ थर्ड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो टाइम देना पड़ता है इस पी पी टी ये सारी चीज़ें बनाने के लिए सो मेक श्योर टू लाइक गाइज एंड मेक शोर टू सब्सक्राइब ऑल्सो गाइज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि कॉलेज के बारे में कन्फ्यूज है एंड एस गाइज इस वॉर सॉल्व फॉर दिस वीडियो कुछ और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर टू कमेंट एंड मिलते हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो